नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है, हर पहल आपके साथ। मगध संवाद खास, विद्यार्थियों के लिए खास खबर। इंटर परीक्षा के प्रश्नों की आंसर शीट जारी, 5 मार्च तक कर सकते हैं आपत्ति। इंटर के परीक्षा के प्रश्नों की आंसर शीट हुआ जारी, 5 मार्च तक कर सकते हैं आपत्ति दाखिल। अब पूरी खबर विस्तार से। बिहार बोर्ड ने इंटर की परीक्षा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी है। कला विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के सभी सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आंसर की जारी की है। बताते चले कि कुल 50 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे, जिसका उत्तर OMR शीट पर परीक्षार्थियों ने दिया था। परीक्षार्थियों के उत्तर के मूल्यांकन के लिए विशेष विषय विशेषज्ञों की टीम से आंसर की तैयारी कराई गई है, जो वेबसाइट पर लोड कर दिया गया है। इधर बिहार बोर्ड ने कहा है कि आंसर की के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो 2 मार्च से 5 मार्च तक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर लिंक पर क्लिक कर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आंसर की देखने की लिए छात्रों को वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर व रोल कोड अंकित करना होगा, जिसके बाद वे आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति मिलने के बाद अंतिम रूप से आंसर की जारी जाएगी। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर दें। धन्यवाद।